हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज़ किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ द एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है, जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं, जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज़ किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ द एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है, जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं, जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज़ किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने,
और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज़ किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है।
दोस्तों ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं, जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं, जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में
जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे से 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है, जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे से 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है, जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया
और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जिसकी कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जिसकी कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है।
बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहाँ पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th सेंचुरी स्टूडियोज ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहाँ पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th सेंचुरी स्टूडियोज ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहाँ पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया
पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे, जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे, जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे, जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल।
सो गाइस टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे से 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं, जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे से 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं, जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे से 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ,
जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है, और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज़ किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ द एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है, और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज़ किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ द एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है, और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी,
जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज़ किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ द एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं, जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज़ किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ द एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं, जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज़ किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ द एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस,
केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज़ किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है,
जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज़ किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे से 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे से 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज़ किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू।
हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज़ किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ द एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है, जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं, जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज़ किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ द एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है, जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं, जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज़ किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने,
और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ द एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे से 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे से 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है।
दोस्तों ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं, जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं, जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में
तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी सोलेसिस्टा। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी सोलेसिस्टा। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी सोलेसिस्टा। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया
और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है।
बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे से 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है, जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे से 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है, जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में आईएमडीबी पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे से 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में
8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। कास्टिंग के बारे में, तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू।
हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरी दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज़ किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ द एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है, जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं, जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने, और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ द एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है, जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें, यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं, जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्लीपिंग विद द एनिमी एक बहुत ही बेहतरीन रोमांस और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। दोस्तों, ये साल 1991 में आई बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और 85% का गूगल यूजर्स रेटिंग मिला, जिसको 22% का रोटेन टमेटो रेटिंग के साथ में IMDb पे 6.3 का रेटिंग हासिल किया और अमेजोन पे इसे 4.8 रेटिंग प्राप्त हो चुकी है, जिसको पूरे दुनिया भर में 8 फरवरी 1991 में रिलीज़ किया गया पूरे अमेरिका समेत, जिसके डायरेक्टर जोसेफ रूबिन थे जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण कराया था। और बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो इसको पूरे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20th Century Studios ने,
और इसको अडेप्ट किया गया है स्लीपिंग विथ दी एनिमी के साथ, जिसकी कमाई 175 मिलियन बताई गई है। और इसकी जो म्यूजिक है जेरी गोल्ड स्मिथ ने बनाए थे और बहुत ही मधुर म्यूजिक दिए थे। बात करें कास्टिंग के बारे में तो जूलिया रॉबर्ट्स, पैट्रिक बर्गिंस, केविन एंडरसन जैसे मुख्य कलाकारों ने अपनी अदा को पेश किया है। बात करें यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जैसे कहानी भी काफ़ी शानदार है और लोगों के मन से अलग अलग विचार निकल के आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। जहां पर 65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, वो भी कमाल का रिव्यू।